करेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, 17th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है हमारे पास 4 मई है, तो डिस्पर्जन का चैप्टर चल रहा है जैसे कि आपको पता है। अब इसमें ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू MCQs इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि आप किसका इनमें से कौन सा जो डेटा है वो ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है या उसका रिलेटिव डिस्पर्जन है, ये ए का डेटा है ये बी का डेटा है। अब आपको यहाँ पर बता दूँ ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन ही है ना जी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन है। पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जब आपने चैप्टर ये स्टार्ट किया उसके स्टार्ट से ही एब्सोल्यूट डिस्पर्जन स्टार्ट हो गया था। आपने इसमें मीन मीडियन मोड, थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ, थर्ड चैप्टर से थर्ड एंड फोर्थ ये सेम है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मूवमेंट्स जो है वो अलग आ जाती है, नेक्स्ट टॉपिक 18th चैप्टर से मूवमेंट आ जाएंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। आपकी बुक में अक्सर एग्जाम्पल इसी वजह से गलत की हुई है मूवमेंट्स में, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में आपको सोल्व करवा दूंगा। अब यहाँ पर देखें यह आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है मीन मीडियन मोड कट टाइम डिसाइल परसेंटाइल मीड और इसके रिलेटेड जितने भी एवरेजेस हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन भी इसी में आता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में। जिसका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा इनमें से, ये देखने के लिए हम सिंपल एवरेजेस को देखते हैं जिनमें मीन मीडियन मोड डिसाइल कर्टाइल परसेंटाइल हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस आ जाता है, सिर्फ वेरियंस तक आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एवरेजेस आते हैं जिस तरह अनोवा है, वो आपका थर्ड ईयर में होगा, यानी कि 13वीं क्लास में होगा। नेक्स्ट अब उसको छोड़ें, यहाँ तक जितने भी एवरेजेस हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस तक, वो आपकी आती हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में। इसमें देखें किसका ज़्यादा है, ये अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन भी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट डी पी हैज ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। अब रिलेटिव डिस्पर्जन की बात कर लेते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। रिलेटिव डिस्पर्जन में आपके पास सिर्फ यही नहीं आता, इनके अलावा जो एवरेजेस हैं जैसे कि कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन है जिसे को वेरियंस भी कहते हैं, जिसे सीवी भी बोलते हैं, उसके अलावा आपका मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, फ्रॉम मोड है, कोफिशेंट्स हैं, कोफिशेंट ऑफ रेंज है, कोफिशेंट ऑफ अदर एवरेजेस हैं, जितने भी कोएफिशिएंट है वो आ जाते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन में। अब देखें यहाँ पर हम मीन डेविएशन तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, ठीक है, जो कि नामुमकिन है। इसमें कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन में, इसमें हम सी वी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी वी इसकी देख लेते हैं, ये होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय 14 होती है हमारे पास इक्वल टू सी वी होती है हमारे पास 1895। अब देखिए इसमें से कौन सा छोटा है, जो छोटा होगा वही उसका
रिलेटिव डिस्पर्जन ज़्यादा हुआ। ये बात मैं आप लोगों को अपने आप से नहीं कह रहा, बल्कि आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं करिकुलम पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ही पढ़ाता हूँ अभी तक, क्योंकि मैं किसी आथर की बुक नहीं पढ़ाता। आप अपनी देख लीजिएगा स्टेटसी की बुक पेज होगा आपका, ये स्टार्ट हो जाता है। रिलेटिव डिस्पर्जन होता है हमारे पास 100 पेज है, 100 पेज है, ये 99 ही 100 ही होगा या 1-1 होगा। इसके लास्ट में देखिएगा, पेज के इसके लास्ट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, अच्छी तरह से पढ़िएगा कि जिस हमारे पास कॉफिशेंट का कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन या कोई भी कॉफिशेंट होगा, वो जितना कम होगा उस वैल्यू का रिलेटिव डिस्पर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। उसके लास्ट वाली लाइन है, मुझे याद है लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, जिसका रिलेटिव डिस्पर्जन ज़्यादा होगा उसका कॉफिशेंट सबसे कम होगा। अब इसमें से कॉफिशेंट सबसे कम किसका है, इसका है, तो हम कहेंगे बी बी ऑल्सो हैज ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक है, जिसका ये कम होगा वो उसका रिलेटिव डिस्पर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, आप कई लोगों के पास, कई स्टूडेंट्स के पास ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से नहीं है, मैं तो इसी से ही करवाता हूँ। इसका 119 जी, ये देखें 101 पेज ही है। अब इस पर इंतहा इम्पोर्टेंट आपकी ये प्रॉपर्टीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की भी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका लास्ट पढ़िएगा, देखो मुझे अभी तक याद, द ग्रुप विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, अगर फोकस हो जाए इस पर, यानी कि जिसकी लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा इज कंपेरेटिवली मोर कंसिस्टेंट, यानी कि जितना इसका लो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो उतनी ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लिखा भी हुआ कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन एंड अदर रिलेटिव मेजर्स, यानी कि रिलेटिव डिस्पर्जन की बात हो रही है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है।